बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू बुखारा की चटनी बनाएंगे। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें एक कप मैंने रात भर भिगोया था इसको, आलू बुखारे को, वो है आधा कप, आधा से भी कम है ये चीनी का। साथ ही इसके इलायची का फ्लेवर है और साथ रेड कलर है, साथ बादाम है, सात आठ थे जो मैंने इनको छील के रखा है। साथ ये बीज हैं, खरबूजे के ले लें, तरबूज के ले लें, किसी के भी ले लें इसके। तो साथ ही इसके दो चुटकी जो है वो सुरख मिर्च है, एक चुटकी जो है वो काली मिर्च है, और आधा चम्मच जो है ये नमक सी सॉल्ट है, लेकिन ये मैं ज़रा इससे भी कम इस्तेमाल करूँगी। साथ ही इसके ज़ीरा पाउडर है वो दो चुटकी है, साथ जायफल है एक चुटकी, साथ लौंग है दो तीन, ये मैं पकाने के बाद इनको बाद में निकाल दूंगी। साथ एक चुटकी से भी कम जो है वो इलायची पाउडर है, एक चम्मच जो है वो विनीगर का है। तो जिस पानी में मैंने एक दफ़ा आलू बुखारे को मैंने धोया था, वो धो के उस दोबारा पानी में डाल के रखा है इसे भगो के, यही पानी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। और थोड़ा सा आधा कप जो है पानी का ज़ायद इस्तेमाल होगा। अगर एक कप ये आलू बुखारे का होगा तो उसमें डेढ़ कप जो है वो पानी का जाएगा। ये देखें, ये इसमें मैंने डालने हैं। अब थोड़ा सा पानी जो है वो उसमें मैं ज़्यादा डालूँगी, इतना सा पानी जो है वो ज़ायद इसमें जाएगा। अब इसे पकने के लिए रख देंगे जब तक इसको उबाल नहीं आता। और आपने जो आलू बुखारा है वो इस शक्ल का लेना है, ये देखें लाइट कलर में। इसमें चीनी कम पड़ती है, जो डार्क कलर का होता है उसमें चीनी ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इस कलर का आप लें। ये देखें ये पकना शुरू हो गया। अब इसमें मैं चीनी डालूँगी, साथ इसके थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, नमक आप अपने हिसाब से टू टेस्ट के लिए। और ये मिर्च जो है ये भी मैं दो चुटकी से कम इस्तेमाल करूंगी, ये काली मिर्च जो है ये एक ही चुटकी जाएगी। ये देखिए जायफल और ज़ीरा, और साथ ही इसके ये इलायची है और साथ लौंग है, ये भी इसके साथ ही जाएंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है ये। अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। गाढ़ा जो है इसका वो आपने खुद देखना है कि आपने सिरप को कितना गाढ़ा रखना है, कम रखना है या ज़्यादा रखना है। इसके साथ जो है मैं थोड़ा सा रेड कलर जो है चंद ड्रॉप्स डालूँगी। इससे इसका कलर जो है वो अच्छा हो जाएगा। चाहे तो आप ना डालें, चाहे तो डाल लें। ये भी रेड कलर भी यूज़ होता है और ऑरेंज कलर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो ज़रदा रंग जिसे कहते हैं। ये देखें इसे तीन से चार मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब मैं इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच जो है वो विनीगर का डालूँगी। साथ ही इसके मैं इलायची फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा डाल दूंगी। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। चार मिनट और पकनी है और ये हमारी जो है वो रेडी हो जानी है। ये देखिए थिक हो रही है, ये देखें ये काफ़ी हद तक ठीक होगी। दो तीन मिनट और पकानी है। इसके साथ ही मैं बादाम डालूंगी। तिल भी इसमें जाते हैं, मेरे पास तिल नहीं थे, अगर आपके पास तिल है तो वो भी आप इसमें डाल सकती हैं। दो से तीन मिनट हैं, ये देखें ठंडे होने पर और ज़्यादा ये गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें इसमें ये थिक हो गई। मैंने इतनी ही थिकनेस इसकी रखनी है। आपने ज़रा ज़्यादा करनी है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसे कम करनी है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी थिक से जब ये ठंडा होना है ये और ज़्यादा थिक हो जाना है। इसमें चंद कतरे जो हैं वो मैं केवड़ा वाटर के डालूँगी।
ज़्यादा नहीं जाएंगे, चंद कतरे, क्योंकि ये फिर कड़वा भी कर सकते हैं। इससे खुशबू अच्छी आ जाती है इसकी और मज़े का टेस्ट लगता है। ये हमारी रेडी हो गई है, मैं आपको अब डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, कितना प्यारा कलर लग रहा है। और इसी तरह आप भी बनाएं और मेहमानों को खिलाएं, खुद भी खाएं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।